आपके पास जब टाइम है तो टाइम रहते हुए आप जो है जिस स्टूडेंट के लॉ एंट्रेंस जो लास्ट ईयर 2022 में नहीं हो पाया है वो कोशिश करें और वो अभी से जो है वो प्रैक्टिसिंग में लग जाए। प्रैक्टिस मतलब जो आपके लास्ट 5 ईयर्स के जो मॉक टेस्ट हैं उनको आप देखें, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया 400 में 300 प्लस में ही मार्क्स आएंगे, उससे कम आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप इसके लिए जो है वो प्रिपरेशन तो आपको करना होगा, और प्रिपरेशन करने के लिए आप अगर लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे DU LLB के स्टूडेंट रहे हैं जो अब तक जो है वो वेट कर रहे हैं कि अब थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ, अब नहीं होने वाला भाई, जो होना था वो हो गया एडमिशन, अब आप वेट ना करें और आप अपने 2023 के लिए जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और यही बेस्ट है आपके लिए कि 2023 के लिए लॉ एंट्रेंस के लिए जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और मैं कोर्स लेकर के आ रहा हूँ जिसका फ़ी केवल 1 रुपी होने जा रहा है, 1 रुपये फ़ी होगा, और हमारे साथ आप जुड़ जाइए, मैं 1 रुपये आप फ़ी देंगे और मैं ये जो है इस प्रिपरेशन को लेकर के आगे बढ़ूंगा। आप हमारा साथ देंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करें आपके हर डॉट्स। तो ये सब के लिए जो है कॉमन टेस्ट होने जा रहा है इस ईयर, तो मैं आपके लिए एक कंबाइंड मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ सबके लिए। और दूसरा ये है कि आपको हर टॉपिक पर मैं डिस्कशंस करूँगा और आप जो है क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं 1 रुपये में। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं और आप ग्रुप में ऐड हो जाएं और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो समय बीत गया है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो भैया पढ़ना तो पड़ेगा LLB में कि भाई स्कैम हुआ है, लेकिन देखो स्कैम जो होता है उनके बीच में से ही आपको सीट निकालने होंगे अपने। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं डिजर्विंग कैंडिडेट जिनके हो गए, तो आपको उसी बीच में से आपको अपने सीट निकालने होंगे। और आप जो हैं अभी से टारगेट सेट करें कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 350 सेट करें कि भैया इतने मार्क्स हमें चाहिए। और उसके लिए आपके पास जो टाइम है वो बहुत सफिशेंट है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए महज 1 रुपये फ़ी के साथ। जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट बेंच कोर्स लेकर के आ रहा है वो आपको पता है CUET PG 2023 में होने जा रहा है। DU LLB हो, BHU LLB हो, PU LLB हो या अलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो LLB, यहाँ से भी तो आप जो हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेस्ट बेंच को सब्सक्राइब कर दें और इस पे आप जुड़े रहें। जो सिलेबस होने जा रहा है वो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में चेंजिंग आएगा। सिलेबस का जो मेजर पोर्शन होने जा रहा है वो आप इंग्लिश और मैथ्स। पॉलिटी तो कॉमन है, वो आपको पूछे जाने हैं। अगर पॉलिटी में देखें लीगल जो है वो भी आपको करना होगा, करंट अफेयर करना होगा। मैं मेजर इंग्लिश और मैथ्स को क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे वीडियो में, देखेंगे कि क्यों कह रहा हूँ ये जानेंगे हम। आपको सिलेबस में GS UN के बारे में, लीगल टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स बेसिक, जो कोर्स का स्ट्रक्चर होगा वो जो हम कोर्स लेकर के आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि हम वीकली मॉक टेस्ट रखेंगे और वीकली मॉक टेस्ट लेंगे। 20+ टेस्ट सीरीज होगा टेस्ट बेंच पर। लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कशंस करेंगे, चाहे वो BHU यूनिवर्सिटी हो, DU हो या फिर PU हो। इन सब यूनिवर्सिटी का जो LLB का जो वो है क्वेश्चंस पेपर है LLB का, उसको डिस्कशंस करेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर में आगे देखें तो आपको इंग्लिश मॉक टेस्ट सेपरेट जो है 5 मॉक टेस्ट रखेंगे और मैथ्स का भी 3 मॉक टेस्ट, कंप्यूटर 2 मॉक टेस्ट। आपको पता है कि DU LLB में मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गए या फिर कंप्यूटर हो गया, ये नहीं था। लेकिन CUET PG में जो है ये मस्ट है, क्योंकि ये आई थिंक जो पेपर का जो वो होगा, मुझे लगता है जो पेपर का पेपर जो दिखने वाला है वो SSC की तरह SSC बेस पे ही वो
एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखें, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि BHU एंट्रेंस 2022 CUT PG LLB से लिया गया था। प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर देखें तो इंग्लिश के क्वेश्चन 20 से 25 थे, वहीं मैथ्स 22 से 24 था। वहीं नेक्स्ट अगर हम देख लें BHU LLB एंट्रेंस जो प्रीवियस ईयर को, पॉलिटी का ओनली 6 क्वेश्चंस, कंप्यूटर 5 to 6 क्वेश्चंस, करंट अफेयर 6 to 7 क्वेश्चंस थे, लॉजिकल रीजनिंग 7 to 8 क्वेश्चंस। आप इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर कैसा होने जा रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि जो पेपर होगा वो SSC पैटर्न पे ही पेपर तैयार होगा, और इस पेपर पे जब SSC पैटर्न पर पेपर तैयार होगा तो फिर जो ड्यू वाले स्टूडेंट जो ड्यू के लिए अभी लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन किए हैं तो उनको आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा और आपको एक अलग वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खास करके जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट रह गए हैं उनको पता है तो आप थोड़ा सा जो फोकस जो करें वो मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ टेस्ट बेंच जो है, अगर टेस्ट बेंच के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दें और इससे जुड़ जाएं। 1 रुपये अभी मैं लास्ट नेक्स्ट वीक तक जो है इस कोर्स को पूरी तरीके से मैं लेकर के आ जाऊंगा इस पे और आपको आपके सामने पूरे डिटेल्स दूंगा। तो इसके साथ जुड़ जाएं, मैं 1 रुपये फ़ीस पर जो है मैं आपको 5 मंथ्स तक लेकर के चलूँगा। वीकली टेस्ट और सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं। तो लास्ट में यही कहूँगा, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा होती है। सब्सक्राइब टेस्ट बेंच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।